सब्सक्राइब कीजिए वर्षाई किचन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सबका मेरी चैनल पर। तो आज मैं बनाऊंगी फंसी पूरी, तो चलिए बनाते हैं। तो पहले हम फंसी पूरी का आटा गूंद लेते हैं। उसके लिए मैंने 500 ग्राम मैदे का आटा लिया है, उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 2 चम्मच अजवाइन ली है वो डाल देंगे और 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है वो डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 5 चम्मच तेल डाल देंगे। अगर आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आखिर में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। तो अब हमारा आटा गूंथ कर हो गया है तैयार। अब हम पूरिया बेल लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से बड़ी रोटी बनाते हैं वैसे बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। अब हम ऊपर से थोड़ा मैदा लगा लेंगे। अब हम इसका रोल बना लेते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे बीच में से टुकड़े कर देंगे इसी तरह से। अब हम इसे बेल लेते हैं। इसी तरह से सारी पूरियां बेल लेनी है। इसी तरह बेल लेने से पूरियां क्रिस्पी बनेगी। तो अब हमारी पूरियां बेलकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे तल लेते हैं। तो पहले हम तेल को गर्म कर लेते हैं। तो अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम पूरियां तल लेते हैं। तो अब हमारी फंसी पूरी हो गई है तैयार। आप इसे नाश्ते में खाएं और दिवाली में बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।